मेरे भाइयों मेरा थोड़ा सितंबर का पेपर जल्दी जोड़ा है हो जा रहा है, सो दे संबंधी आप तैयारी कर लिए। तो एक सैंपल पेपर है जो बहुत ही वधिया सैंपल पेपर है, लगभग इदा का ही तुहानू पेपर आऊगा। कई बच्चे ये भी पूछ लेंगे जमा सेम आऊगा, देखो जमा सेम के टीचर नरेक ने आपो अपना पेपर तैयार किया, हो सकता है कि सूनू दे देना, हो सकता कोई होर दे देन। सो आपां ए वाला पेपर भी करांगे ते एक 2022 दा अपना पेपर अपने इस चैनल दे उत्ते हैगा, वह भी तुसीं जरूर देख लियो। जो थोड़े दो पेपर तैयार किए होणगे चंगी तरह तां कोई मर्जी सवाल आ जाए तुसीं आराम नाल कर सकोगे। सो ध्यान नाल आपां देखना ते चैनल नूं सबसक्राइब भी कर देना, क्योंकि उस तो पहलां वाले पेपर भी आपां पाए हुए ने, तां सबसक्राइब तो बाद तुहानूं वो पेपर वगैरह सारे मिल जाएंगे। ये भी आप अज पार्ट ए करांगे जिदे आप 30 मार्क्स का काम करांगे, एक एक नंबर के सवाल ने, हरेक प्रश्न एक अंक का होगा। पंजाबी अंग्रेजी दोनों मीडियम के बायलिंगुअल, तो तुहानूं दिक्कत भी नहीं आएगी। कटाओ 5 - 5 + 5, 19 - 19 + 3 तो कितना आ गया 0। तो ऑप्शन कितने टिक लगा देना डी ते, कितने टिक लगा देना 0 ते। मुल पता करना, कटाओ 6 * 5 * 0। देखो किसी भी रकम की गुणा जो आप 0 नाल करते हैं, कद ना कर दें 0 नाल, तो सारी रकम की बन जाती है 0। तो ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं, कटाओ 6 - 5 - गुणा करने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि लास्ट के उत्ते गुणा लिखी है 0। आए मनो तुम्हें इन्होंने दोनों की गुणा करनी है 0 नाल, तो आंसर आ गया 0। कटाओ 8 - 2, -8 - 2 डिवाइड करना, तुम 8 नू कर दो, 8 नू 2 दे वंडे किन्ना आंदा 4, माइनस नाल ही रहनी है तो -4 ऑप्शन बी। इस तरह 1/2 - 2 * 8, देखो 8 उपर है 2 थले, 2 * 1 = 2 = 4 * 2 = 8, तो आंसर कितना आ गया 4, यानी कि ऑप्शन कीड़ी आ गई सी, चौथे की ऑप्शन की है सी। तो पहले की ऑप्शन की सी 0, दूजे की भी 0, तीजे की -4, चौथे की 4। सो ध्यान नाल कर लियो, अगे 3/4 का उल्ट क्रम, रेसीप्रोकल, रेसीप्रोकल दे विच दा नीचे वाला उपर, उपर वाला नीचे। जो कुछ भी ना दिता होवे जड़ात्मक है क्या गुणात्मक है, मल्टीप्लिकेटिव है एक एडिटिव है, तो कुछ नहीं करना, लत्त उपर कर दो ते पैर नीचे 4/3, ऑप्शन आ गई बी। 1.25 × 10, किसी भी रकम 10 ना गुणा करते हैं भी मगर किन्निया 0 ने, उन्ना ही पॉइंट कितने चला जाता है, सज्जे नूं चला जाता है, तो पॉइंट इतों किसके कितने आजूगा 12.5 ते, तो ऑप्शन सी के उत्ते तुसीं टिक लगा देना। जदों वंडो करदे तां पॉइंट लैफ्ट नूं जाता, जदों गुणा करदे तां पॉइंट किधर नूं जाता, राइट नूं, किन्ना जाता जिन्नी है एक दे मगर 0 लगी, एक लगी सी तां एक चला गया, इत्थों खिसक के पॉइंट कित्थे आ गया 2 दे मगर आ गया। दित्ते समीकरण का हल पता करो, बड़ा सौखा, x / 3 = 2, तो 3 भाग से उधर की होजूगा गुणा का, 2 * 3 = 6। कई बच्चे पूछ लें सानू करन दी लोड़ नहीं, करन दी लोड़, सीधा डायरैक्ट लिख सकते हो, एक अंक का ही सवाल है। किसी संख्या विच 4 जोड़न ते 12 प्राप्त हुंदा, आ कोई संख्या इस 4 जोड़दे आ किन्ना प्राप्त हुंदा 12, तो संख्या की होगी, बड़ा सौखा है, 12 - 4 = 8। कई बच्चे आराम ना जवानी भी कर लेंगे ने, तो जवानी भी जरूर कर सकते हैं, तो किसी संख्या च किहड़ी संख्या च जोड़िए 4 भी 12 आ जाए, तो सब नूं पता कितना होना सी 8, 8 ते 4 किन्ने हुंदे ने 12। हुण अपने कोल शकल बनी भी थोड़ी वड्डी करके बना दिंदा, आ वाला एंगल की है, तो देखा जाए जो डब्बी बजी हुंदी किन्ने दा एंगल हुंदा 90 दा, ते 90 नूं आपां की बोलदे आ समकोण,
अंग्रेजी च बोलेंगे राइट एंगल, की कहते ने राइट एंगल सम कोण। तो जे बारले पासे वाला हुंदा फिर आपां नूं की बोलते रिफलैक्स, जे बार हुंदा तां बार है ही नहीं। 41 डिग्री का पूरक कोण की होगा कॉम्पलीमेंटरी एंगल ऑफ 41। सब नूं पता जिहड़े पूरक कोण हुंदे ने किन्ने हुंदे 90 दे, जो दो कोणां दा जोड़ किन्ना हो जाए 90, तो उन्होंने बोलते कॉम्पलीमेंटरी। जे एक कोण विचों 41 है तो दूजा किन्ना होगा 49, नहीं पता तो 90 दे विचों 41 घटा दो किन्ना आ गया 49। 90 चो 41 घटा के चैक कर सकते हैं। न्यून कोण चुनो, न्यून कोण जिन्हों अंग्रेजी आप बोलते अक्यूट एंगल, तो अक्यूट एंगल कहना जो 0 तो बड़ा हो 90 तो की हो छोटा, 0 तो 90 दे विचकार होवे उन्हों बोलते हैं क्यूट एंगल, तो बड़ा सौख है। तो 75 डिग्री भी है, 85 भी है, दोनों ही आप चुन सकते हैं, दोनों ही की ने अपने अक्यूट एंगल, तो दोनों च कोई भी तुसी ला दोगे ठीक है। ठीक है, पूरक कोणों का जोड़, पूरक कोण नहीं दस कड़े, जो दो कोणों का जोड़ किन्ना हो जाए 90 हो जाए तो उन्होंने बोलते पूरक कोण, तो इन्हों का जोड़ किन्ना बनता 180 90, सो इन्हों का 80। तो मैं लगता मैंने दसन की लड़ नहीं कि आंसर है कि वेरी गुड ऑप्शन बी, क्योंकि जोड़ 90 इन्हों का ही सी, इन्हों विचों केड़ा कथन सही है, केड़ा सही है। तो सबनों पता संख्या रेखा उत्ते जिहड़ी रकम सज्जे पासे है वह वड्डी हुंदी, जिहड़ी खब्बे पासे है वह किहदी है छोटी, तां घटाओ 4/9 उह किधर होगा लैफ्ट साइड ते, तां 0 की है वड्डा गा की तो वड्डा घटाओ 4/9 तो, तां पहला ही ऑप्शन अपना की है ठीक है, 0 वड्डा गा घटाओ 4/9 तो। इत्थे लिखा 0 छोटा गा, घटाओ वाली रकम अपन पता छोटी हुंदी है, जोड़ वाली वड्डी हुंदी, इतने बराबर लिखे ये भी नहीं संभव, ये भी नहीं संभव, तो ऑप्शन ए अपना की है आंसर है। पर मैं ये संख्या नूं म्यारी रूप च लिखना, म्यारी हुंदा अंग्रेजी आप बोलते रैशनल नंबर, रैशनल मतलब जिन्ना घटदा घटा देना, 21 अपन 7 3 है 21, 7 4 28, माइनस लगे तो माइनस नाल लाउणी है, 7 7 की हो गया घट गया, तो पिछे की बच गया 3/4, आ भी 3/4 आ भी 3/4, आप लीए घटाओ वाला, क्यों क्योंकि इतने की लगे, देखो ध्यान नाल देखो की लगे, घटाओ लगी है तो आंसर च घटाओ नाल आऊगी -3/4, 17/11 -6/11, दोनों के नीचे देखो 11 ही है तो कोई चक्कर ही नहीं, 17 चो 6 घटा दो 11/11, बाई चांस कट रहे हैं जो कद कट जाते आंसर आता एक, ऑप्शन ए कि ऑप्शन आ गई ऑप्शन ए। अगे गए 7/12 का वंडना है 7/12 न, एक निशानी जरूर लगी घटाओ दी नहीं भुलना, देखिए ये भी 7/12 ये भी 7/12, तो 7/12 7/12 घटा कि एक, तो बच्चे एक लाए आता निशानी भूल जाते हैं, निशानी कहदी घटाओ दी, तो आंसर कि -1, जाने कि ऑप्शन बी अपना की आ गया आंसर आ गया। जो वधिया लग्या तो वधिया वधिया कमेंट भी जरूर कर दिओ, तो सबसक्राइब 7वीं दे बच्चे नूं आउंदा किवें कीता जांदा मैनूं सिखाउण दी लोड़ नहीं, सो जरूर कर दिओ। दो सम ऑफ टू इंटीजर इज आलसो एन इंटीजर, जिवें दो इंटीजर ने घटाओ दो जोड़ घटाओ 3, मान लो किन्ना आ गया घटाओ 5, घटाओ 2 जोड़ 7 किन्ना आ गया 5, 5 जोड़ 7 किन्ना आ गया 12, कोई मर्जी दो संख्यावां लवांगे संपूर्ण तो उन्हां दा जोड़ भी देखोगे की हुंदा है संपूर्ण, जिन्हों अंग्रेजी इंटीजर बोलते हैं तो कथन की अपना सही ट्रू, तो कथन नूं की लिखना है ट्रू। हुण अगला सवाल थोड़ा जिहा है टेढ़ा, 2/7 दा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जदों सानूं आख्या जी कुछ भी ना लिखा हो
ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ 7/2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? -2/7। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਾਲਸ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਾਤਮਕ। ਦੇਖੋ ਜੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੜਾਤਮਕ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਐਡਿਟਿਵ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਫਾਲਸ। ਬੌਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੋੜ, ਮੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਦਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਜਿਹੜਾ 14 ਗਾ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੌਲਕ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੋੜ ਆਪਣਾ ਮੋੜ 12। ਤਾਂ 12 ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋੜ, ਮੋੜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 14। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਲਸ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। 3x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 15, ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 15/3, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? 6। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਫਾਲਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗਲਤ ਹੈ। 2 ਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2 ਕੋਨਾ ਜੋੜ 90 ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੂਰਕ ਕੋਣ। ਅਤੇ ਜੇ 180 ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਟਰੂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ ਵੇਚ ਮੁੱਲ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਓ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 200 ਦੀ ਖਰੀਦੀ, 220 ਦੀ ਵੇਚੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? 20 ਰੁਪਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਵੇਚ ਮੁੱਲ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ ਵੇਚ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਾਲਸ, ਗਲਤ ਹੈ। 7/16 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 7/16। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ? ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਘਟਾਓ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਸਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 5ਵਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਸਹੀ। 3 ਕਥਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਨੇ? ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1। ਕਈ ਬੱਚੇ 0 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 0 ਬੇਟਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੈਗਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 0 0 ਹੈ, ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਨੈਗਟਿਵ। 3.02 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ? 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? 2/100। 2/100 ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 100th ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ 2/100 ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 3, 5, 7 ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੀਨ। ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 3 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ। 15 ਨੂੰ 3 'ਤੇ ਵੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਐਕਸ ਘਟਾਓ 7/1, ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ 7 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋੜ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 8। 2 ਪੂਰਕ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, 12 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। 2 ਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 90।
मिश्र तन तो अगला सम सी मिश्र तन अमाउंट किदे ते किदे नाल बनती है तो अपन पता मिश्र तन बराबर होंगे मूलतन जोड़ ब्याज। मूलतन जिन्हों पर अंग्रेजी बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जो पैसा आप लाया से जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने आप की कहने सॉरी प्रीमियम नहीं प्रिंसीपल, प्रिंसीपल प्रीमियम ना लिख दियो प्रिंसीपल लिख दियो। ठीक है प्रीमियम तो वो होंगे जिम्मे कोई शेयर वगैरह लाए ने अपन मिलता उन्होंने प्रीमियम कहने इतने आप बोलेंगे प्रिंसीपल। 6/9 जोड़ 2/9 देखो 9/9 ही है डिनोमिनेटर तो उपरले जिहड़े रकम ने न्यूमिनेटर का जोड़ो जो 6 + 2 = 8/9। एक बार खाली दा मैं तुम्हें दोबारे भर के रखा देना पहले दा 1 इहदा 2/100 इहदा 5 इहदा 8 ते इहदा 90 इहदा मूलधन दोबारा देखिए अरे उरिया की सी इहदा 90 मूलधन अंग्रेजी च प्रिंसीपल इधर 8/9 तो यह चंगी तरह तुम्हें समझ लग ही गया। तो पार्ट बी देखने लिए चैनल में सबसक्राइब करके रखो नाल दी नाल तुहानू इहदी वीडियो मिल जूगी पेपर की वधिया वधिया तैयारी करो। थैंक यू दूजी वीडियो जरूर देख लियो पिछले साल वाली वो भी तुहाडे कोल बड़ी कम की है।